محمد وعلى محمد الصلوات. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين، واللعن الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دور الحمد لله. اللهم سمع يا محمد وآل محمد. أي من مالو تمہارے اوپر روزہ ویسے فرض ہوا ہے، واجب ہوا ہے اللہ کی طرف سے، جیسے تم سے پہلے تمہاری مور بیجی قوموں پر، دوسری قوموں پر روزہ واجب تھا، شاید کہ لعلکم کداج کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر چینج آ جائے، تبدیلی آ جائے اور تم اپنی صحیح جو نیچرل لائف یعنی زندگی ہے تمہاری اس کی طرف واپس آ جاؤ. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر چیز کی جب تک آپ اس کی ڈیفینیشن یعنی ڈیفینیشن اس کا جب تک آپ معین نہیں کریں گے، اس کا ڈیفینیشن بیان نہیں کریں گے، اس وقت تک کے لیے اس کے بارے میں کچھ سوچنا یعنی وچار کرنا بے فائدہ ہوگا، یوز لیس ہوگا. آپ کو معلوم ہے کوئی بھی سنستھا، کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی ادارہ، کوئی انڈسٹری، کوئی ٹرسٹ بننے سے پہلے جب آپ اس کا آئین یعنی اس کا قانون تیار کریں گے تو قانون میں سب سے پہلے سنستھا اس آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن یعنی اس کا ادھارن آپ کو پیش کرنا ہوگا. جب تک اس کی صحیح ڈیفینیشن نہیں پیش کریں گے اس وقت تک اس کے بارے میں آپ کا آبجیکٹیو، تمہارا آبجیکٹیو یعنی فلسفی اس وقت تک نہیں معین ہو سکتا. فار ایگزامپل، ایک چھوٹی سی سامنے کی ایگزامپل بات بہت سامنے آ جائے گی. یہ اتنا بڑا آرگنائزیشن
इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी मोटी इमारत कोई बना दे, लाके खड़ा कर दे, बिल्डिंग तैयार हो जाए, या ऐसी कोई बीजी बिल्डिंग कोई तैयार कर दे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव यानी उसका डेफिनेशन क्या है, अगर वो नहीं बयान करेगा तो जब तक उसकी उसका उदाहरण सही नहीं पेश करेगा, उसके बारे में उसका यूजाज क्या होगा किसी को मालूम नहीं हो सकता। आपको मालूम है ना, जब कोई मस्जिद बनाता है तो मस्जिद के लिए जरूरी क्या है कि मस्जिद का, सपोज फॉर एग्जांपल, मस्जिद का सेगा पढ़े, मस्जिद का सेगा पढ़ने के बाद क्या उसमें चेंजमो आता है, उसमें तब्दीली क्या आती है, आपको मालूम? फिर उस जगह को कोई बेच नहीं सकता, उस जगह को कोई घर नहीं बना सकता, उस जगह को कोई नजिस नहीं कर सकता, उस जगह के लिए अगर कोई सामान यानी कोई वस्तु उस जगह के लिए वक्फ हो जाए तो वहां से बाहर नहीं ले जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सजदेगा है, मोर है, अगर मस्जिद के लिए वक्फ है तो मस्जिद से बाहर ले जाना जायज। कदाच नमाज पढ़ने के लिए कोई खाने तो नहीं ले जाएगा, नमाज पढ़ने के लिए यहाँ का कुरान ले जाए, सपोज नीचे जाके हुसैनिया में महफिल में बैठ के तिलावत करे, अगर मस्जिद के लिए वक्फ थी गयो तो मस्जिद से बाहर ले जाना जायज नहीं है। हमें कहने का अर्थ क्या है, डेफिनेशन का कितना असर होता है, कहने का अर्थ ये, जब अगर आपने इस जगह को डिफाइन कर दिया कि इस जगह का नाम है मस्जिद, इसका ऑब्जेक्टिव ये है, तो फिर उसके मुताबिक उसका पूरा रूल यानी आइन भी तैयार होता है। जब तक आप डेफिनेशन प्रॉपर नहीं करेंगे तब तक आइन तैयार नहीं हो सकता। कहने का अर्थ क्या है, यही इंसान के बारे में, इंसान की जब तक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगी, जब तक प्रॉपर उसका उदाहरण नहीं पेश किया जाएगा कि इंसान क्या है, उस वक्त तक उसके बारे में कोई प्रॉपर आइन यानी कानून नहीं तैयार हो सकता। आज मैंने बताया था, आज यूरोप की या अच्छी दुनिया की, आप अब पहले मैं अक्सर कहता हूं इस बात को कि इस्लाम और नॉन इस्लामिक कल्चर, इस्लाम जुड़ के जो अच्छी दुनिया में आप देख लिया, सबसे मोटी प्रॉब्लम हो गई है, जितना भी इज्म यानी जितना भी कानून यानी जितने भी लॉज, आप सबकी एक मोटी प्रॉब्लम है, बना है सब इंसान के लिए लेकिन इंसान को फायदा नहीं पहुंचता। सारा कानून जो है उसका वो बना है किसके लिए, इंसान के लिए बना है लेकिन इंसान उसको फायदा नहीं उठा सक रहा, एक सबसे मोटी प्रॉब्लम हो गई इंसान की। तो जब तक सही डेफिनेशन, कल मैंने पेश किया था कि कुरान, एक डेफिनेशन दुनिया ने पेश की इंसान की, एक डेफिनेशन कुरान में पेश की इंसान की, कुरान ने जो इंसान की डेफिनेशन पेश की वो 180 डिग्री दुनिया की डेफिनेशन से अलग है। और इसी कुरान में जो इंसान को पेश किया, इंसान शुरू जब पैदा होता है उस वक्त से, आज देखिए, आज इंसान जब बचपन से इंसान को देख लिया, इस्लाम ने क्या बचपन से उसको एहतराम दिया, बचपन से उसको शराफत दी, बचपन से उसको इतना एहतराम दिया, लखत करमना बनी आदमा, तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन, अर्रहमान खलक इंसान, अल्लामहुल बयान, ये सब इंसान की, मैंने कल इसको बताया, ये सब इंसान के बारे में इंसान को इंट्रोड्यूस करा रहा है इस्लाम, जो आज की दुनिया में इंट्रोडक्शन नहीं। कल मैंने बताया था कि कल आज की दुनिया का इंट्रोडक्शन क्या है इंसान के लिए, कि इंसान इंसान होने से पहले बंदर था, डार्विन की थ्योरी की, जो मेजोरिटी आज फिलोसोफर्स की डार्विन की थ्योरी को नहीं मानती है। उसके बाद फिर मैंने एक ब्रैकेट में एक बात ये भी कही थी कि अगर आज से 1,000 साल पहले बंदर इंसान बन सकता था तो आज का इंसान और क्यों नहीं दूसरा बन रहा है, आज के भी इंसान को बदलना चाहिए, आज में भी ये चेंज आना चाहिए। जब दुनिया में ग्रेजुअल चेंज यानी आहिस्ता आहिस्ता इंसान में चेंज वो आ रहा है, बदलाव आ रहा है, तो एक स्टेज में आके ये बदलाव रुक क्यों गया, अगर नेचर में था ये बदलाव तो क्या। अब मैंने बताया कि मॉडर्निज्म, मॉडर्न साइंस, मॉडर्निटी जो आज की है, आज की मॉडर्निटी का बेस जो है वो डार्विन की थ्योरी है। यानी आप देखिए, जैसी बेस होगी वैसे ही, फारसी में कहावत है, खिश्त अव्वल चुन नहद में इमार कच ता सुरैया मीर अव दीवार कच, जारे कोई मेमार हो, कोई बनना जो घर घर बनाता, वो अगर दीवार बना रहा, पहली दीवार अगर पहली ईट जो दीवार की अगर टेढ़ी हो तो अच्छी दीवार टेढ़ी जाएगी, होता है कि नहीं होता। आज जहां इंसानियत यूरोप में पहुंची, इस्लाम के अलावा नॉन इस्लामिक कल्चर में आज जहां इंसानियत आके पहुंची है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि इंसानियत की पहली ईट जो है वो टेढ़ी लगाई।
जो इंसानियत के एक्चुअल में डेफिनेशन है वो गलत डेफिनेशन पेश की, जो इंसानियत के एक्चुअल हकीकत है उसको नहीं पेश करके इंसान को आज महदूद कर दिया। किस चीज में? इंसान यानी खाना पीना, जिंदगी में प्लेजर करना, मस्त होना, जिंदगी को कुछ दिन के बाद खत्म कर देना, मरने के बाद। कुरान कहता है इन हिया हयातुन दुनिया नमूतु व नहया वमा युहलिकुना इल्ला दहर, इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, ये हमारी फकत दुनियावी जिंदगी है कि नमूतु व नहया, कोई मरता है इसमें कोई जिंदा होता है, वमा युहलिकुना इल्ला दहर। यहाँ जो कोई हलाक होता है तो कैसे हलाक होता है? एक जमाने में आता है कि इंसान का जिस्म जब थक जाता है, जिस्म में उतनी ताकत नहीं रहती है, सर्कुलेशन ब्लड में नहीं होता, जिस्म में जान नहीं होती, तो आदमी मर जाता है। ये एक थ्योरी है इंसान के बारे में। लेकिन बीजी थ्योरी जो इस्लाम ने पेश की इंसान के बारे में, इंसान वो मखलूक है कि जो जमीन से मेराज तक का सफर तय करता है। इंसान इतनी अजीम डेफिनेशन इंसान की, इंसान को वो मखलूक है जो अपने अल्लाह से करीब होता है, इंसान वो मखलूक है जो सखर लकुम मा फिस समावाति वल अर्ध, इंसान वो मौजूद है कि जिसके लिए हर चीज को अल्लाह ने उसके अख्तियार में दिया, हर काम वो कर सकता है, हर चीज उसके पावर में। इंसान के अख्तियार में अल्लाह ने पहाड़ को दिया, इंसान के अख्तियार में अल्लाह ने जमीन आसमान को दिया, इंसान के अख्तियार में अल्लाह ने हवा को दिया, ईच एंड एवरी थिंग। आपको मैं बताऊं, फॉर एग्जाम्पल आपने घर बनाया, इतना बड़ा घर बनाया किसके लिए? अपने रहने के लिए। गाड़ी खरीदी काट काट लेटेस्ट मोटर लेटेस्ट मॉडल किसके लिए खरीदी? गाड़ी को गाड़ी के लिए, मोटर को मोटर के लिए खरीदा या मोटर पे खुद बैठने के लिए खरीदा? खुद बैठने के लिए खरीदा। मिसाल के तौर पे दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे महंगा जेवर गहना जो कुछ भी दुनिया का सामान हो सकता है सब आदमी किसके लिए खरीद रहा है? अपने लिए खरीद रहा है। एक मिसाल के तौर पे फर्ज कीजिए, जैसे एक जमाने में कोई नया मॉडल होता है, मोबाइल का मॉडल ले ले, एग्जांपल दे रहे हैं, मोबाइल का कोई नया मॉडल होता है, अगर कोई खरीदने वाला हो उसको तो उसको इंपॉर्टेंट हासिल। लेकिन एक जमाना आता है कि उसका मॉडल डाउन हो जाता है, कि नया मॉडल आता है उसको सब भूल जाते हैं ना। चीज की अपने आप में अहमियत नहीं है, इंसान जब उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करेगा तब उसकी अहमियत बढ़ेगी। यानी असल किसी वस्तु किसी चीज की अहमियत किससे है? इंसान से है। आज भी यही इस्लाम भी कहता है हर चीज को दुनिया में अल्लाह ने अहमियत दी इंसान के। लेकिन वही इंसान का जो एग्जैक्ट टारगेट है, हदफ है, आज ये दुनिया नहीं बयान कर पा रही। यही से मुश्किल, बहुत मोटी मुश्किल खड़ी होती है। इंसान का मेन हदफ क्या है? इंसान को कहां जाना है? इंसान को कहां तक पहुंचना है? इंसान की क्या आखिरी मंजिल है? लास्ट स्टेज इंसान का क्या है? ये आज की दुनिया को नहीं मालूम। इसी वजह से नए नए मुश्किल दुनिया में प्रॉब्लम, नए नए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आपको मैं देखूं, आप देखिए, सिर्फ ये इंसान के सही डेफिनेशन ना होने के सबब मैन मेड बीमारियां आपको खाली गिनते हाथ, एड्स, एसटीडी, उसके बाद मिसाल के तौर पे ड्रग्स के जरिए जो बीमारी ट्रांसमिट होती है एक दूसरे के जरिए, और कितनी सैकड़ों बीमारी जो मैन मेड बीमारी है। कुछ आफत होती है नेचुरल आफत, कुछ इन्फ्लुएंजा आता है, कुछ फिजा में बीमारी आती है, कुछ मैन मेड बीमारी है जिसके लिए आज तक इंसान परेशान है। आज मिसाल के तौर पे कैंसर का बीमारी, कैंसर बीमारी बढ़ती जा रही। इसका रीजन क्या आपको मालूम है? अभी इंडिया में आजकल एक बहुत मोटा इशू छिड़ा हुआ है, आपको जर्नल में न्यूज़पेपर में दर रोज एक आर्टिकल मिलता है। क्या आर्टिकल मिलता है? कि मिसाल के तौर पर जो फ्रूट हम लोग खाते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं, हर एक में केमिकल मिला है। एक मोटा इशू बना हुआ है हिंदुस्तान में, केरला में, साउथ इंडिया में। चाइना से प्लास्टिक का चावल आया था, 60 टन चावल या 60 मिलियन टन, कितना टन अल्लाह मालूम कि कितना टन चावल आया, सबने खरीद के खाया। खाने के बाद जब सब हॉस्पिटल गया तो फौरन उसको जो है हटा दिया। कहने का मकसद, आज कोई भी चीज दुनिया में सिक्योर नहीं खा रहा है। इसके जरिए जो बीमारी तैयार हो रही है मैन मेड बीमारी, ये क्या है? इंसान जल्दी जल्दी कम वक्त में ज्यादा कमाने के चक्कर में इंसान जो है, आज मिसाल के तौर पे आपको सेब जो है इतना सा भी मिलेगा, इतना बड़ा भी मिलेगा, एप्पल नश्तर मारा हुआ एप्पल इतना मोटा, नेचुरल सेब जो है वो इतना सा। आदमी देखता है इतना मोटा सेब, 1 किलो का सेब, चलो आज लेके जाएंगे, प्लेजर होगा खाने, एक साथ 4 आदमी खा लेंगे। लेकिन 4 आदमी एक साथ जो है जहर खा रहा है वो पॉप। कहने का मकसद है कि इंसान जैसा आज अपने लिए डेफिनेशन तैयार करेगा वैसे ही इंसान की जिंदगी में मुश्किल भी वैसी आएगी। अब मैं अपने असली सूझे की तरफ आ रहा हूं, जो असल बात बताना है। कल मैंने ये कहा था कि इंसान की आज की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है?
इंसान अपनी हवा हवस का पुजारी हो रहा है। मैंने तीन चीज के बारे में बताया था कि इंसान की अक्ल यानी उसका सही विचार, सही अकीदा, सही अमल अथवा सही नफ्स, सही डायरेक्शन को। जब तक ये तीन चीज सही डायरेक्शन पे नहीं होगी तब तक इंसान सही टारगेट यानी सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इंसान के नफ्स को सबसे मोटा खतरा क्या है? मोटा खतरा हवा हवस का खतरा। हवा हवस का खतरा इंसान को हवा हवस जो है वो कहां से कहां तक ले जा सकती है। एक सवाल पढ़ो मोहम्मद वाले हमें सवाल ये कि क्या रीजन है जो इंसान के अंदर, एक नॉर्मल इंसान है, एक इंसान के अंदर हवा हवस परस्ती, इंसान का नफ्स जो है वो अपने सही टारगेट से, अपने सही ट्रैक से हट जाता है, इसका रीजन क्या? मैं तीन चार रीजन बताऊंगा फिर अपनी बात को कंक्लूड कर दूंगा। सबसे पहला रीजन कि जो इंसान की, इंसान के अंदर उसकी ग्रेविटी को और अपने आप को रोकने की क्षमता ने ताकत को कम करता है, वो क्या है? क्योंकि देखिए हवा का मतलब क्या, इंसान का दिल कुछ कह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सामने की मिसाल, आपके पास सामने खाना रखा हुआ, बेहतरीन खाना, बेहतरीन उसका एहसास, बेहतरीन खुशबू, लेकिन आप दिल में उसको नहीं खा रहे। माह मुबारक रमजान में क्या बांटे, क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि अंदर से आपको कोई रोक रहा है कि ना अत्यारे तमें रोजो मोचो, अभी नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। ऐसे ही होता है कि इंसान कुछ चीजों के बारे सामने अपने आप को रोक लेता है, कुछ चीजों के सामने अपने आप को नहीं रोक पाता। तो क्या प्रॉब्लम है, क्या रीजन है कि इंसान इतना कमजोर हो जाता है अंदर से? कल मौलाना कहना की हदीस मैंने बताई थी कि इंसान के ऊपर जब हवा हवस इंसान के ऊपर छा जाती है, उसके ऊपर सवार हो जाती है, तो इंसान कमजोर हो जाता है, इंसान एकदम टूट जाता है, एकदम ज़ईफ फाबल हो जाता है। लेकिन जब इंसान के अक्ल का उस पर कब्जा होता है तो इंसान स्ट्रांग होता है। इंसान की हवा, लालच, हवा परस्ती, हवस इंसान को जलील करती है, जमाने के आगे उसका सर झुकाती है, और इंसान के अंदर से जो अब जो उसके पास का कंट्रोल उसकी अक्ल के पास होगा तो इंसान अंदर से स्ट्रांग होगा। एक सलावत पढ़ मुहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। सबसे पहला रीजन आपको मालूम है, एक इंसान के अंदर हवा हवस नफ्स परस्ती के ज्यादा होने में सबसे पहला रीजन है मौत। माँ बाप यानी कहते ना तरबियत क्या है, बचपन से इंसान को स्ट्रांग बनाना होगा। अगर बचपन से तरबियत सही ना हो तो आगे चल के इंसान कमजोर होने लगता है। बचपन में एक बच्चा क्या करता है, बच्चा किसी भी चीज के लिए जिद करता है, मौतर क्या फौरन उसको दे देते, किसी भी चीज को मांगा जरा सा रोता है। एक डॉक्टर कह रहा था कि मिसाल के तौर पर अगर कोकफेर होता है ना, बच्चा रोता है तो माँ उसको भूखा देख के दौड़ के जाती है, उसको दूध की शीशी फीडर दे देती है, कोक फिर उसको दूध पिलाने लगती है। ठीक है, कहते कि ये अगर हर रोने पे दौड़ के माँ जाके खाली ये काम करे, उसको दूसरे रास्ते से चुप ना कराए, तो ये बच्चा फिर आगे चल के परेशानी का सबब बनता है। जानते आपको मालूम, हमसे बेहतर जानते हैं, आपका एक्सपीरियंस है कि खुद कभी कभी डॉक्टर कहते हैं बच्चे को रोने दो ताकि उसका फेफड़ा मजबूत हो, अंदर से वो स्ट्रांग हो। बच्चा जब ये महसूस करने लगता है कि मारी हर आदत, मारी हर जरूरत खाली एक जरा सा रोने पे पूरी हो जाती है, तो फिर यही उसकी आदत बढ़ती जाती है, बढ़ता जाता है। एक जमाना ऐसा आता है कि फिर वो अपने आप को अंदर फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि वो चाहता है जैसी भी चीज उसको, जिस चीज की ख्वाहिश हो तरह तो उसको मिलनी चाहिए, जिस चीज की भी उसको इच्छा हो, जो भी चीज उसको चाहिए फौरन उसको मिलना चाहिए। अगर बच्चे के अंदर ये आ जाए तो ऐसा बच्चा जवान होके, बड़ा होके अपनी हवा हौस का बहुत ज्यादा पुजारी होगा। ऐसा बच्चा अपने आप को आगे तक के कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए इस्लाम ने एक रेड लाइन दे दी है कि तुम्हारी आदत अने तुम्हारी खसलत, इसकी एक रेड लाइन, यहां एक रेड लाइन है, इसको पार नहीं करना चाहिए तुम। क्या है रेड लाइन देखें, कुल सूरह तौबा की आयत नंबर 21, कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व अखवान, यह किसके लिए, मौतर्स के लिए, भाई के लिए, दोस्त के लिए, यानी एक जिम्मेदार इंसान, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान के लिए, कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व अखवानुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिना तर्दौनहा अहब्बु इलैकुम मिनल्लाह। देखो तुम क्या क्या चीजें तुम्हारी, इनकाना आबाउकुम, तुम्हारे मौतर, बाप से मोहब्बत बहुत जरूरी है। ये इस्लाम क्या कहता है,
बच्चे के लिए कहता है तुमको अगर जन्नत चाहिए तो मां के पैर के नीचे मिलेगी। तुम्हारे पर जिहाद अगर वाजिब हो गया, वाजिब किफाई नहीं, वाजिब ऐन नहीं हुआ, यानी दूसरे लोग भी जा सकते हैं, मां बाप की रजा नहीं है तो तुम जिहाद में ना जाओ। तुम्हारा अगर रोजा तुम्हारे मौतर को नुकसान पहुंचाता है, मुस्तहब रोजा, वाजिब रोजा नहीं, तुम्हारा मुस्तहब रोजा तुम्हारे मौतर तुम्हारे पेरेंट्स को अजियत पहुंचाता है, तुम रोजा ना रखो। तुम्हारे मौतर तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हें इजाजत ना दे तुम घर से बाहर ना निकलो। तुम्हारे अगर तुमको गुनाह माफ करवाना है, मौतर अगर इस दुनिया से चले गए तो उनकी कब्र पे जाके हाथ रखो और दुआ मांगो खुदा गुनाह माफ कर दे। तुम्हारे अगर मौतर जिंदा है तो उनसे जाके कहो कि हमारा गुनाह माफ कर दे। इंसान का दम निकल रहा है, अगर दम निकलने में तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो जाके मां बाप को राजी करें। रसूल खुदा की सब किस्सा आपके सामने है, कितना एहतराम मां बाप का और कितना एग्जाम्पल है मां बाप के एहतराम के लिए। लेकिन यहां आयत कुरान की क्या कहती है, कुल इन काना अबाकुम तुम्हारे मौतर व अबनाउकुम, औलाद की कितनी जिम्मेदारी है इंसान के ऊपर, औलाद की तरबियत की कितनी जिम्मेदारी है, औलाद बाप के ऊपर हक, यानी औलाद का हक जो है बाप के ऊपर कि उसकी अच्छी सारी तरबियत करे, उसको अच्छा धर्म सिखाए, उसको कुरान की तालीम दे, उसको इंसान बनाए, उसकी सही तरबियत करे। बाप के ऊपर वाजिब है कि बेटे का नफका फराम करे, कितनी अहमियत है। लेकिन आयत क्या कहती है देखिए, अबनाउकुम व अखवानुकुम तुम्हारा भाई, अपने भाई के लिए कितनी ताकीद है इस्लाम में, एक आम मोमिन भाई की मोहब्बत के लिए कितनी ताकीद है, जे जाए कि अपना सगा भाई हो। वह अशीरतुकुम, इमाम सज्जाद रिसाले हुकूक में एक जगह पे फरमाते हैं कि तुम्हारे अशीरे तुम्हारे खानदान वाले की मिसाल क्या है ना, तुम्हारे खानदान वाले की मिसाल है तुम्हारे पंख की, जिसके जरिए इंसान पंख के सहारे जिसके जरिए उड़ सकता है। कभी भी अपने खानदान वालों को ना छोड़ना, कभी भी खानदान वालों से अपने कतर रहम ना करना, सिला रहम ना छोड़ना। तुम्हारे खानदान वाले की मिसाल ये कि तुम्हारे पंख की हैसियत है, जब कभी तुम मुसीबत में होगे तुम्हारा खानदान वाला तुम्हारा साथ दे। कितनी अहमियत है खानदान वाले की। वो अमवाल उन तरफ तुम हुआ, वो माल की जो तुमने जमा किया है, सारा घर सारा मकान सारी दौलत, वो तिजारत तुम तशौनक का साधा, तुम्हारा वो बिजनेस कि जिसके लिए तुम डर रहो कहीं मेरा बिजनेस खत्म ना हो जाए। वो मसाकिन तरदौनहा तुम्हारा वो घर, मोमिन की पहचान ये है कि अभी मैं जो कंक्लूजन दूंगा उससे आयत से समझ में आएगा, मोमिन की पहचान ये कि उसके पास सारा घर होता है अच्छा घर होता है, लेकिन आयत क्या कह रही है, अहब्बु इलैकुम मिनल्लाह व रसूलिही, इतना सब कुछ है लेकिन एक रेड लाइन ये है कि तुम्हारा घर तुम्हारी औलाद तुम्हारे मौतर तुम्हारा खानदान तुम्हारी दौलत तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारा भाई सब कुछ तुम्हारा अल्लाह अने रसूल से ज्यादा महबूब नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए। विचार की बात है, यानी एक डेडलाइन है कि अल्लाह और रसूल से ज्यादा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए तुमको। एक फिर क्या होता है, मिसाल के तौर पे बाप की मोहब्बत है, हम बाप की मोहब्बत को देखें या अल्लाह की मोहब्बत को देखें। अल्लाह कुरान मजीद में अल्लदीना आमनु अशद्द हुब्बन लिल्लाह, जो कोई ईमान लेकर आए वो लोग जो ईमान लेकर आए उनके दिल में अल्लाह की शदीद सोती सबसे ज्यादा मोहब्बत उनके दिल में अल्लाह की, अशद्द हुब्बन लिल्लाह, यानी अपने बाप अपने माल अपने दौलत सब कुछ छोड़ के। अब आप ये बताइए, एक आदमी जो है उसकी पहली रात शादी क्यों, फर्स्ट नाइट शादी की, आप ये बताइए, एक जवान आदमी उसकी शादी हुई हो कितने दिनों के बाद, बेचारा मुश्किल से शादी हुई उसकी, ऐसा आदमी तकरीबन 3-4 महीने अपने घर से नहीं निकलता, और जो आजकल जो मिसाल के तौर पे हनीमून निकला हुआ तो कहीं कहीं घूमने जाते कि कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, लाइफ को एंजॉय कर सके। मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं, लेकिन देखिए जब अल्लाह की मोहब्बत होती है सच्ची तो इंसान फिर इतना प्लेजर भी छोड़ देता। हंजला गसीलुल मलाइका का नाम सुना आप सबों ने, शादी हुई रात को फर्स्ट नाइट सवेरे रसूल खुदा ने कहा कि मुसलमानों को जिहाद में जाना, फर्स्ट नाइट शादी की, आदमी कोई ना कोई बहाना देके जो कहता है रसूल आज तबीयत खराब होता है ना, बहुत से लोग आते रसूल खुदा के पास, या रसूल अल्लाह जरा मैंने इजाजत दे दी, हमारी मां घर में अकेली बेचारी, हो सकता है मां ना भी हो लेकिन क्या है बहाना, कोई ना कोई किसी ना किसी तरह, या रसूल अल्लाह मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या रसूल अल्लाह मेरे सर में दर्द हो रहा है, मौला कहना तो के साथ यही हुआ था,
वाला कहना है तो खुद में नजुल्लाका में कहा कि हम तुमको जब गर्मी में कहते थे जंग में चलो, तुम कहते थे या अली बहुत गर्मी है, जब सर्दी में कहते थे या अली बहुत सर्दी है। कोई ना कोई बहाना तलाश करते थे। ये बहाना आदमी क्यों तलाश करता है? ये नहीं कर पाएंगे या अल्लाह, नमाज सुबह थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, ये काम बाद में कर लेंगे, अभी तो इतना टाइम बाकी है, देर से कर लेंगे। आदमी किस लिए इतना बहाना तलाश करता? हंजला गसीलुल मलाइका, रात को शादी हुई, फर्स्ट नाइट सवार में रसूलुल्लाह ने ऐलान किया कि चलो सबको निकलना है। जैसे अनाउंस किया, हंजला ने कहा या रसूलुल्लाह मेरी कल रात को शादी हुई। कहा चलो निकलो, अभी अल्लाह के दीन को ज्यादा जरूरत है। जनाब हंजला निकले, जंग में शहीद हुए, कुछ देर के लिए मुसलमानों ने कहा या रसूलुल्लाह हंजला का जनाजा नजर नहीं आ रहा। आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा हूं, या हंजला का जनाजा नहीं नजर आ रहा। कहा गया जनाजा, कहा कि मलाइका हंजला के जनाजे को लेके गए आसमान में गुस्ल देने के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने का क्या अर्थ है? अगर कोई अपने नफ्स को तोड़ के अल्लाह के लिए सेक्रीफाइस करे तो अल्लाह ऑनर भी ऐसे ही देता है। अल्लाह का कानून है कि तुम हमारे लिए सेक्रीफाइस करो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम्हें अल्लाह ने मदद करो अल्लाह तुम्हारी मदद कर सकते। एक सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद का, अहब्बु इलैकुम मिन अल्लाह, तुम्हारी दौलत तुम्हारा घर। देखिए वही चीज, एक इंसान के लिए एक चैप्टर क्या है इस्लाम में, ज़ुहद का। जब ज़ुहद का चैप्टर आता है, ज़ुहद के बारे में बात होती है, तो आदमी ज़ाहिद का मतलब क्या समझता है? इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास, उस जमाने में सबसे बेस्ट कपड़ा जो होता था, सबसे बेस्ट कपड़ा, मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान में रेमंड्स अच्छा क्वालिटी का कपड़ा माना जाता है। इमाम बेहतरीन कुर्ता डिस्टाशा जो अरबी होता पहन के आए घर से बाहर निकले, तो एक चुकद्दस माँ, चुकद्दस माँ आप लोग समझते हैं उर्दू में किसको कहते हैं? थोड़ा सा हंस भी लेंगे आप लोग। एक होता है मुकद्दस, एक होता है चुकद्दस। मुकद्दस किसे कहते हैं? जो साचा मुकद्दस हो, मिसाल के तौर पे धर्म का एहतराम करे, हलाल हराम का। चुकद्दस यानी जो सूखा सूखा मुकद्दस हो, यानी फॉर एग्जाम्पल अबू मूसा अशरी। अबू मूसा अशरी क्या था? चुकद्दस माँ, यानी हाथ में तस्बीह थी लेकिन जहन उसका साफ नहीं था, उसका नफ्स पाक नहीं था। चुकद्दस माँ जो वो इमाम को भी सलाह देने आता है, इमाम को भी मशवरा देने आता है, रसूलुल्लाह को भी मशवरा देने आता है, जैसे किया था। तो हिपोक्रेटिक जैसा होता है ये, चुकद्दस माँ तकरीबन ऐसे ही होता है, लेकिन चुकद्दस माँ होता है जो बेवकूफ होता है। एक आदमी होशियार अगर दीनदार बने तो दीन को फायदा पहुंच सकता है, अगर बेवकूफ दीनदार बन जाए तो दीन को बहुत नुकसान पहुंचता है। मुश्किल ये थी, अबू मूसा अशरी बेवकूफ भी था और दीनदार भी था, यानी क्या होशियारी नहीं थी दीन में। अमराज जैसा शख्स जो है वो अबू मूसा अशरी को बेवकूफ बना गया। अली जैसा इमाम वक्त, अबू मूसा अशरी अली को आ रहा है कि अज़ल करने के लिए, मैं अली को खिलाफत के मनसब से हटाता हूं। ये क्या, इसको कहते हैं चुकद्दस माँ, यानी जिसके पास सही दीन का अर्थ उसको मालूम ना हो लेकिन या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। मैंने कहा था कि अगर खाली मारिफत ने सही विचार के बगैर अगर कोई तस्बीह काटे अने दीन पे अमल करे तो उसकी मिसाल ऐसी होती है कि वो दिन भर कुएं के इर्द गिर्द घूमता है लेकिन उसकी जिंदगी में कोई इजाफा नहीं होता। जो पहले दिन मैंने बताया यही हाल था अबू मूसा अशरी का। एक सवाल पर मुहम्मद वाले सही कपड़ा नहीं होना चाहिए। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को शख्स आके कहता मौला तुम्हें इतना सारा कपड़ा पहना, तुम्हारे तन में इतना सारा कुर्ता। तो इमाम ने एक मर्तबा कहा, एक अंदर भी मोटा सा कपड़ा था, ऊपर का हादा लकुम व हादा लिल्लाह, ये जो ऊपर कपड़ा छे मेरे बदन के जो ऊपर जो कपड़ा है ना ये तुम्हारे लिए, तुम ये ना कहो कि इमाम कितना बेचारा इसके पास पहनने को सही कपड़ा नहीं, व हादा लिल्लाह, ताकि हमारा बदन को आराम ना मिले, मैं अपनी बदन को तकलीफ का आदि बनाने के लिए जो है मैं ये कपड़ा अंदर पहनता हूं। यानी अगर आप देखिए फिलोसफी भी है, अगर इंसान का बदन तकलीफ का आदि हो जाए तो अगर उसको आराम मिल जाए तो वो परेशान नहीं होता। एक सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर इंसान सख्ती का आदि हो जाए, उसको आराम मिले,
या आराम से उसका जो है दिमाग खराब नहीं होता है। इमाम क्या कह रहे हैं कि हादा लकुम वो हादा लिल्ला, ये सारा कपड़ा तुम्हारे लिए और अंदर जो कपड़ा अपने बदन को, हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बदन आराम से रहे एक लम्हे के लिए। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जिनके बदन पे सारा कपड़ा नहीं है, तो आपके मेरे बदन को मेरे तन को तकलीफ का भी एहसास रहे कि कदाश दुनिया में कोई गरीब इंसान ऐसा है कि जिसके तन पे सारा कपड़ा नहीं। इसको जोहद का मतलब ये नहीं कि इंसान अच्छा कपड़ा ना पहने, जोहद का मतलब ये कि इंसान उस कपड़े का असीर ना बन जाए, उस कपड़े का स्लेव ना बन जाए। जोहद का मतलब ये नहीं कि इंसान के पास सारी मोटर ना हो, जोहद का मतलब ये कि इंसान मोटर का स्लेव ना बन जाए, मोटर का नौकर ना बन जाए। जोहद का मतलब ये नहीं कि इंसान के पास सारा घर ना हो, जोहद का मतलब ये है कि उसका वो घर का नौकर ना बन जाए, घर का धनी रहे। जोहद यानी हर चीज का धनी होना, उसका नौकर नहीं होना। असली एग्जैक्ट में जोहद का क्या है मतलब, जोहद का अर्थ ये है, ये किस वक्त आता है जब इंसान अपनी हवस यानी हवा का, अपने नफ्स का पुजारी नहीं होता। यानी हर चीज है उसके पास, अगर है तो अल्लाह का शुक्र, अगर नहीं है तो भी अल्लाह का शुक्र। दुआ में हम लोग क्या कहते हैं जनाब मूसा से, अल्लाह ने कहा खुदाया मैं तेरी हम कैसे करूं, कैसे तेरी नेमतों का शुक्रिया करूं। तो अल्लाह कहता मूसा यही जो तुझे एहसास हो गया है ना तुम्हें कि तुम मेरी हमद नहीं कर सकते, तुम मेरा शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, यही तुम्हारे दिल में जो एहसास हो गया यही मेरा शुक्र है, यही मेरा शुक्र है। तो कहने का मकसद ये कि जोहद का मतलब क्या है कि आदमी असीर ना बनाए अपने आप को, यानी हर चीज को जब मौका है तो अल्लाह के लिए कुर्बान कर सके। जब दौलत है मेरे पास, कल अल्लाह को जरूरत हो हम अल्लाह को दे देंगे। इमाम अगर कहे हमको तुम सब छोड़ के जा सकते हैं, जोहद का मतलब ये होता है। हवा परस्त न होने का मतलब ये होता है, अल्लाह की मोहब्बत का अर्थ ये होता है। आज हमारा पास है इसलिए क्योंकि अल्लाह ने हमको दिया। कल अगर जरूरत पड़ेगी तुम्हारी वाइफ का ना हो, हमारी औलाद का ना हो, हमारा घर का ना हो, हमारा धंधा का ना हो, हमारी दुकान का, आज अल्लाह को जरूरत है इसलिए हमको सेक्रीफाइस करना हो। एक बहुत अच्छे आलिम ने ईरान में, बहुत से लोग आपको मालूम है जंग के जमाने में कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग ऐसे शहीद हुए कि नई नई शादी में कुछ दिन घर पर रहे फिर जाना पड़ा जंग के लिए। तो एक जवान, उसकी एक नांडी औलाद भी थी, उसकी वाइफ भी, बहरहाल मोमिन को अपनी वाइफ से भी मोहब्बत होती, मोमिन की पहचान ये होती है कि वो अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करता है। तो अब ये घर से जा रहा था तो उसके जहन में यही विचार था, यही ख्याल था कि क्या करें, हम अपनी औलाद को किस पे छोड़ के जाए, हम अपनी बीवी बच्चे को किस पे छोड़ के जाए, क्या होगा मेरे बाद इसका। तो एक आलिम के पास सलाह के लिए गया, तो आलिम ने क्या मशवरा दिया कि देखो बेहाल से खाली नहीं है, तुम तो ईमान से हो, तू मोमिन से कायम आदमी, तुम्हारे दिल में ईमान है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अभी तुम्हें फिक्र किस बात की है कि तुम्हारी औलाद ने तुम्हारी बीवी का क्या होगा। याद रखो अगर तुम्हारी बीवी मोमिन है, मोमिना है, तुम्हारी औलाद अगर तुमने सही तरबियत की है, दिल में अगर ईमान है तो तुम जाओ अल्लाह की राह में शहीद हो जाओ, उसकी परवाह ना करो। तुम जिसके राह में जो काम करोगे, यानी क्या लिल बैत रब्बुन यमनाहू, तुम जिसका घर बचाओगे वो तुम्हारा घर बचाएगा। सुभानअल्लाह, जैसे जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने किया था, हमको अपना जो काम करना हम कर लेंगे। कहने का मकसद इसको कहते हैं हुब्बुल्लाह, इसको कहते हैं अल्लाह से मोहब्बत, इसको कहते हैं सबसे पहले जरूरी है कि आज मौतर्स के लिए जरूरी है। आपको मालूम है ना, आप बचपन से बच्चे को कहते हैं बच्चा बेटा तुम्हें डॉक्टर होना है, तुम्हें एमबीए पढ़ना है, तुम्हें ये करना है, तो जो आप उसको बचपन से सिखाते रहते हैं वही बच्चा बड़े होके बनता है। अक्सर मौतर क्या करते हैं, नई नई पैदा बच्चा पैदा होने वाला होता है तो घर में खूबसूरत बच्चे की तस्वीर लगा लेते हैं, कान में डॉक्टर का मिसाल के तौर पर आला लगा हुआ है। क्या बच्चे की पर्सनैलिटी यानी शख्सियत ऐसी बने, इसी तरह जरूरी आज के मौतर्स के लिए कि बचपन से बच्चे को आदत दिलाए कि वो अपना नफ्स का पुजारी ना, बचपन से बच्चे को आदत, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बचपन से डाले। याद कि जिस तरह आप बच्चे को फीड कीजिएगा वैसे उसके बदन में गोश्त निकलेगा, जितना उसको खाना खिलाइएगा वैसे बदन में गोश्त निकलेगा, वैसे उसकी हड्डी मजबूत होगी। ऐसे इंसान की रूह है, जैसा रूह को आप तरबियत करेंगे वैसी रूह भी बनेगी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो एक सबसे पहली बात, हवा परस्ती से बचने के लिए अपने, हवा परस्ती यानी नफ्स का कमजोर हो जाना,
नफ्स को कमजोरी से बचाने के लिए, जैसे क्या करते हैं आजकल मिसाल के तौर पे दुनिया में क्या निकला है, फर्ज कीजिए आपने अपने बच्चे को मिसाल के तौर पे कॉम्प्लान दे, आप अपने बच्चे को मिसाल के तौर पे न्यूट्रिशन के लिए ये दे वो दे, विटामिन का लिक्विड दे, तो बॉडी के लिए इतना विटामिन फराहम कर रहे हैं, रूह का विटामिन क्या? जिस तरह इंसान की बॉडी विटामिन के बगैर फैबल हो जाती है, कमजोर हो जाती है, इसी तरह इंसान की रूह भी, इसका जो असली विटामिन है, अगर रूह का विटामिन इसको ना मिले तो रूह भी कमजोर हो जाती है। यही इंसान नाटपन से जब बड़ा होता है तो इसी फेब रूह के साथ, इसी कमजोर रूह के साथ बड़ा होता है। तो रूह के लिए क्या है, रूह का विटामिन क्या है? रूह का विटामिन मां बाप की सारी तरबियत, बचपन से बच्चे को अल्लाह की मोहब्बत उसके नफ्स में डाले, उसके रूह लोरी सुनाए। आपको मैं एक एग्जाम्पल दे, बस इस पर अपनी बात ये वाली कंक्लूड कर लूंगा। इमाम हसन, कहीं मैं बयान भी कर चुका हूं शायद, इमाम हसन की विलादत के बाद शहजादी फातिमा कोफर इमाम हसन को लोरी सुनाती थी। तो क्या सुनाती थी आपको मालूम है? या बुनैया हसन इश्बे अबा का अबल हसन वखला अनिल हक रसन वला तुवाले दल एहन वअबुदिल्लाह दामिनन। बेटा गोद में शहजादी तरबियत करी, या बुनैया हसन इश्बे अबा का अबल हसन, ए मारा लाडला मारा डिकरा हसन, तू तारे तारा बाप जेवा अपने बाबा, अपने बाबा अबल हसन जैसे बनो। तो अबल हसन की खासियत क्या थी? वअबुदिल्लाह दामिनन, बचपन से तू उस अल्लाह की इबादत कर जो सब हर तरह का एहसान करने वाला। अभी बच्चा गोद में है, ये आज के माउथर्स के लिए लेसन है, मैसेज है कि अगर बच्चे की तरबियत करनी है तो कैसे करें, बचपन से उसको उसकी रूह को स्ट्रांग बनाने के लिए फीड करना उसके अंदर। उसकी रूह को जब तक फीड नहीं करेंगे, जब तक रूह का विटामिन उसको नहीं देंगे, उस वक्त तक बच्चा स्ट्रांग नहीं बन सकता। एक सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, थके तो नहीं आप लोग? बस मेरी बात के आदमी के लिए जरूरी क्या है, हवा परस्ती से बचने के लिए। आपको मालूम है, मैं ये तो डिटेल से इसके बारे में चर्चा करने का है, डिटेल से बयान करने का। इमाम सज्जाद का एक फिर मैंने क्या है वो कौल पढ़ा था रिसाले हुकूक में, इमाम सज्जाद ने क्या कहा था रिसाले हुकूक में, इमाम सज्जाद ने क्या कहा था कि वालम अन हक नफ्सिका अन तस्तौफिया फी ताअतिल्लाह, कि नफ्स को अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हवा आने हवस आने लालच की जंजीर से तुम आजाद करो, नफ्स तुम्हारा आजाद रहे, नफ्स तुम्हारा जकड़ा ना रहे, तो हक को नफ्स से कान तस्तौफिया फी ताअतिल्लाह, तुम्हारी नफ्स का हक तुम्हारे पर यह कि तुम अपनी नफ्स को अल्लाह का मुती आने फरमा बरदार बना दो। तुम्हारा नफ्स अगर अल्लाह, अब एक बात बहुत यानी सोचने वाली बात है, आपको मालूम है आप सब विचार करते हैं, फर्ज कीजिए आजकल की दुनिया में अगर कोई किसी को अपनी दुकान में अपने ऑफिस में अपनी इंडस्ट्री में अगर काम पे लगाता है तो क्या कहता है कि फ्रेशर नहीं होना चाहिए, चार साल पांच साल का एक्सपीरियंस अगर मिसाल के तौर पर फ्रेशर है, यानी अभी डिग्री मिली है सीधा आ गया, तो उसका पैकेज अलग होता है। जो अगर पुराना काम जानकार होता है तो उसका पैकेज अलग होता है, काम होता है कि नहीं होता है? काहे के लिए? इसलिए कि जो फ्रेशर होगा उसको काम सीखने में टाइम लगेगा। एक दिन में मौजजा नहीं हो सकता, इसी तरह अच्छी चीज भी। मेरा जो असल सूझे क्या था कि बचपन से जब तक इंसान के नफ्स को आदि नहीं बनाया जाएगा अल्लाह की इताअत का, उस इसीलिए रिवायत में कि सात साल तक तुम बच्चे को फोर्स ना करो। इदा कानुहुम अबनाउ सबइन फामुरुहुम बिस्सलाह, जब बच्चा तुम्हारा सात साल का हो जाए तो तुम बच्चे को फोर्स करो कि वो नमाज पढ़े, बच्चे को रात को नमाज सुबह के लिए जगाओ, निंदर से जगाओ। बहुत तकलीफ होती है माउतर को कि मेरा बच्चा अभी सो रहा है उसकी नींद पूरी नहीं, ना अब्राहम सबइन फामरूम बिस्सलात, सात साल का बच्चा हो जाए तो उसको जगाओ, सुबह की नमाज की आदत दिलाओ। सात साल का बच्चा हो जाए तो जब तक सात साल का ना हो तो उसको अपने सर पे ताज जेवा रखो, होता है ना कोफर में, एग्जाम्पल मैं देता हूँ कोफर नीचे कि मौलाना के सर से कोई पगड़ी नहीं उतार सकता, लेकिन नाना बच्चा के सर के पगड़ी भी उतार सकता है। होता है मेरा लड़का वो सर से कभी टोपी उतार लेता है, कभी अम्मामा उतार लेता है ना, इसको नेचुरल मोमेंट। सात साल तक बच्चे को कुछ फोर्स ना कीजिए, लेकिन सात साल के बाद, सात साल के बाद जो है बच्चे को फोर्स करना।
बच्चे को आदत, क्योंकि जब से उसको उस वक्त से आदत नहीं दिलाएंगे, उस वक्त तक जब वो जवान होगा उस वक्त मौजूदा नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे एक बच्चा फर्ज कीजिए आज फेर में पहली 10 माह मुबारक की 10 रमजान को 10 माह मुबारक को कोई बालिग होता, उसको रोजा रखना, उस पर नमाज वाजिब, उस पर रोजा वाजिब, इस्लाम का जेटलो पढ़ना अहकाम था सब उस पर वाजिब हो गया। अगर आपने इससे पहले उसको फोर्स ना किया हो, ना समझाया हो, ना बतलाया हो, तो से इम्पॉसिबल वो अचानक एक दिन में मौजूदा नहीं हो जाएगा, एक दिन में मौजूदा नहीं हो जाएगा कि वो एक दिन में सब सीखने लगे, ना उसको सिखाना होगा, उसको तरबियत। इसीलिए 7 साल का जब बच्चा हो जाए वहां से बच्चे को आदत दो, जब 7 साल से बच्चे को आदत दो कि इस आदत का फलसफा क्या है, ताकि नफ्स इंसान का स्ट्रांग हो जाए। बच्चे को भूख की आदत दिलाए, बच्चे को प्यास की आदत दिलाए, बच्चे को नमाज की आदत दिलाए, बच्चे को हर चीज की, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। मैं यही अपनी बात कंक्लूड करता हूं कि एक बात पे कि इंसान की आदत अने नफ्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला स्टेज क्या है, माउतर की तरबियत। बच्चे को बचपन से यह सिखाना होगा कि तेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हुब्बुल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत। ऐसा एग्जाम्पल है, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में बताऊंगा कि दुआओं में हुब्बुल्लाह का क्या क्या एग्जाम्पल है, क्या क्या मिसाल है दुआ में अल्लाह की मोहब्बत के बारे में, कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अगर किसी का कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, नहीं तो कंक्लूड करते हैं।